अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये ना मैं छोटी मछलियाँ लेके आया था, तो ये मैंने एक्वेरियम में रखी ये बड़ी मछलियों के साथ। तो ये बड़ी मछलियों ने इन्हें खाना स्टार्ट कर दिया। मैं लाइट ऑन की तो एक मछली को इन्होंने आधा खाया हुआ था, तो अभी हम इसे ये बाल्टी में डालने लगे हैं ताकि बाकियों को भी ना नुकसान पहुँचे। आज हमें बहुत दुख हुआ, आज हमारी टू फिशेस मर चुकी हैं, एक लाते टाइम और एक इन्होंने मार दी। अब मुझे बहुत अफसोस हुआ, अब मैं इनका कोई सेटअप सोचता हूँ कि इनका किधर सेटअप किया जाए। नहीं बाल्टी में रख दिया, लेकिन कल फिर इनके लिए कोई सेटअप सोचेंगे कि इन्हें हमने कहाँ रखना है। और रात बहुत हो चुकी थी, रात के 1 बज गए, इसलिए मैंने हैदर को नहीं बताया, वो भी सोया हुआ है, सुबह उठ के उसे बताएंगे। और आप ये देखें, भी तो मैंने इन्हें इधर रखा है, देखें कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें, ये मैं एयर पंप लाया था, वैसे मैं डेकोरेशन के लिए लाया था, लेकिन फिर ये मुझे इधर लगाना पड़ा ताकि इनको ऑक्सीजन मिलती रहे और ये एक्टिव रहे। बाकी इसमें डाइनोज हैं और ग्लोइंग कैट्स हैं और गपीज हैं। गाइस, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, अफसोस तो मुझे है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनमें से मारा किसने है इसको। ये जो फ्लफी है, ये भी बहुत शरीफ सी है, ये गोल्डी तो हमने पहले भी रखी थी, इसका तो कोई इशू नहीं है। ये जो वाइट है, ये इसका नाम हमने वाइटर रखा था, ये भी बहुत शरीफ है। इसकी जो बड़ी थी वो मर गई थी, उसका हम मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं सारी रात सो नहीं पाया, वो भी इसी टाइम ही मरी थी। और उसका नाम वाइटल था, इसका मिल्की है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा शक इन शॉर्ट्स पे जा रहा है कि इन्होंने तो नहीं कुछ किया, क्योंकि मुझे यही लगती हैं जो शरारती टाइप की हैं फिशेस, वो शॉर्ट्स ही लगती हैं। गाइस, वाइटल मर गई थी, उसकी टेंशन में मैं इनको लेके आया था, अभी ये भी दो मर गई, अब इनकी टेंशन लग गई। अभी वैसे तो ये एक्वेरियम में भी बहुत प्यारी लग रही थी, मैं आपको वो भी क्लिप दिखाऊंगा। हैदर को तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो उसको काउंटिंग करने में, यानी वो काउंटिंग नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, उससे होनी भी नहीं। तो ठीक है, फिर मैं सोता हूँ, पता नहीं नींद आएगी या नहीं। तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, मेरी तरफ से आप सबको गुड नाइट।